अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको मूली एंड चिकन का पराठा बनाना बता रही हूँ, जो कि बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है। मूली एंड चिकन का कॉम्बिनेशन होगा और क्रिस्पी एंड यम्मी टेस्टी होगा बहुत ज़्यादा। तो चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं जी। तो हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होंगे वो हैं, हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने बारीक बारीक कटिंग की हुई है, मूली है जिसको मैंने कद्दूकश किया हुआ है, चिकन मैंने बॉईल करके उसके बारीक बारीक पीसेस कर लिए हुए हैं, मिंट है आप देख रहे हैं ज़ीरो साइज़ का है बिकॉज ये मेरे घर का है, किचन गार्डन मैंने आपको टूर करवाया था उसकी वीडियो मौजूद है, कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक, ज़ीरा, पिसी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च है पिसी हुई, अजवाइन है, थोड़ा सा चाट मसाला। सो हम जो है वो पराठा बनाएंगे और साथ में दो रोटियां ऐसे मैंने बेल कर रख ली हुई हैं। अब मैं स्टार्ट करती हूँ वीडियो जी। अब मैं इन सबको मिक्स कर देती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैं रोटी पर ये सारा मसाला जो है, मूली, चिकन और जितने भी मसाले थे, वो सब मैं इसमें फिल कर दूँगी जी। मैंने रोटी पर सारा फिल कर दिया है, अब मैं इसके ऊपर एक और रोटी रख दूँगी। मैंने इसको बेल लिया हुआ है बहुत अच्छी तरह, अब मैं इसको तवे पर डाल दूँगी। तवे पर रोटी डाल दी है, अब इसको फ्राई करती हूँ। अब देसी घी मैं इसमें डाल रही हूँ और अब मैं दोबारा इसकी साइड पलटूँगी। आप देख रहे हैं भी कच्चा कच्चा सा है, तो अगर आपको लाल पराठा चाहिए तो आपको इसी तरह ही करना है। तो जो लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारा पराठा लाल नहीं होता, क्रिस्पी नहीं बनता, अच्छा नहीं बनता, तो उनके लिए ये अच्छी टिप है कि वो लोग कच्चे पराठे पर ही, जैसे मैंने लगाया, कच्चे पराठे पर ही घी लगा दें और उसको फ्राई करें तो वो बहुत अच्छा रेड रेड सा पराठा बनता है, क्रिस्पी सा। मेरा ये चिकन और मूली का पराठा रेडी है। आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह काफ़ी बड़ा बना है और बिल्कुल छोटे छोटे पेड़ों का काफ़ी बड़ा बना है, बहुत ही मज़े का है। आपको साइड चेंज करके दिखा देती हूँ, बहुत गर्म भी है और जलते हैं जी। तो ये देखें, अच्छा ये जो आप देख रहे होंगे कि ये इसका कलर जो है बहुत रेड रेड सा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये बिल्कुल पक चुका है। इसका कलर इसलिए ऐसा है कि खालिस चक्की का गंदुम आटा है, इसमें कोई वाइट आटे की मिलावट नहीं है, इसीलिए इसका कलर जो है वो इस तरह होता है। अच्छा अगर इसको और खूबसूरत कलर में बनाना चाहते हैं तो वाइट ऐड करना चाहें तो वाइट आटा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन तो मैं आपको एक बार इस तरीके से भी दिखा देती हूँ। बहुत ही टेस्टी है, चिकन की बाइट्स भी होंगी और मूलियाँ भी होंगी और स्पाइस जो होगा वो ग्रीन चिली का भी आएगा, रेड चिली का भी आएगा एंड मिंट भी होगा, बहुत मज़े का फ्लेवर होगा। अगर आप एक बाइट लेंगे तो यकीनन आपको मज़ा आएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।